हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आई एम हियर एट एनियोर सैलून और मैं यहाँ पे आई हूँ अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। आई विल शेयर माय हेयर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो स्टे कनेक्टेड एंड हियर वी गो। स्टेप वन, इसमें एक्सटेंजो क्रीम अप्लाई हो रही है हेयर पे और इसको हमने 35 मिनट्स के लिए स्टे करना है। सो हेयर इज द प्रोसेस, यू कैन जूम इट। हो गया गाइस, दे आर अप्लाइंग दिस क्रीम इन फर्स्ट स्टेप। दिस इज एक्सटेंजो ऑलियो शेप ऑयल ट्रायो स्मूथनिंग क्रीम। दिस इज फर्स्ट स्टेप and it's in process. Guys, ये अभी सेकेंड वॉश हुआ है। अभी सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ था जिसमें हमने एक्सटेंजो क्रीम अप्लाई की थी। उसके बाद ये एक वॉश है, एक सबसे पहले वॉश हुआ था, उसके बाद फिर एक्सटेंजो क्रीम और उसके बाद एक 35 मिनट्स के बाद सेकेंड वॉश। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकेंड स्टेप, सो लेट्स गो। गाइस, सेकंड स्टेप ये है, ये सीरम अप्लाई करने लगे हैं और इसके बाद हमने ड्राई करने अपने हेयर को। सो हियर आई एम। सो गाइस, आफ्टर आयरनिंग माय हेयर आई वाज हैविंग अ वेट ऑफ अबाउट 20 मिनट्स और उसके बाद ये कौन सी क्रीम है, न्यूट्रलाइजिंग। अब ये हम फिक्सिंग क्रीम अप्लाई करने लगे हैं। दिस इज़ फोर स्टेप, सो लेट्स गो। आफ्टर 20 मिनट्स आई एम द गर्ल हु एक्चुअली स्ट्रगल्ड अ लॉट विद द फ्रिजी हेयर। इट ऑलवेज इरिटेटेड मी अ लॉट। और इसमें न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई हो रही है और इसको हमने कितनी देर के लिए रखना है अप्लाई करके। इट विल बी अप्लाइड फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड आफ्टर दिस वी विल हैव अ वॉश। सो गाइस, अभी ये 10 मिनट का वेट चल रहा है फिक्सिंग क्रीम लगाने के बाद। सो गाइस, अब ये फिफ्थ स्टेप है, दिस इज फाइनल स्टेप आफ्टर हेयर वॉश। ये हेयर मास्क अप्लाई करने लगी है। सो गाइस, हेयर मास्क अप्लाई हो चुका है, अब 5 मिनट्स बाद हमने इसको वॉश करना है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट अप्लाई करना है, वॉश करना है, अप्लाई करना है, वॉश करना है, यही प्रोसेस है इसका। और टाइम भी काफ़ी लगता है, लाइक यू आर हैविंग अ वेट ऑफ अबाउट 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो इस तरह काफ़ी वेट है, लेकिन यू विल सी द रिजल्ट्स। कहीं भी कोई भी इवेंट पे जाना है तो मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि मुझे 2 घंटे या 1.5 घंटा तो मेरा लगता ही था हेयर स्ट्रेट करने पे। सो फाइनली गाइस, दिस इज़ द रिज़ल्ट जिसका था इंतज़ार, वो शाहकार आ गया। इस ट्रीटमेंट के बाद आई एम हाईली सेटिस्फाइड और अब मुझे बस सिर्फ धोने पड़ते हैं अपने बाल और मैं जी रेडी होती हूँ किसी भी इवेंट पे जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, अब हमने ट्रीटमेंट करवा लिया है और ये हमारा ट्रीटमेंट किया है एलियोर सैलून में लिया ने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ट्रीट किया, इन्होंने हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया, बहुत अच्छी केयर की इन्होंने और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, यू कैन सी द रिजल्ट। अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमें प्रिकॉशन, जो हमने प्रिकॉशंस लेनी है वो क्या है, तो वो काइंडली आप बताइएगा। आफ्टर थर्ड डे आपने यहाँ पे आना है एलियोर पे वॉश करानी, ठीक है? ठीक है। और थर्ड इन पर्पस में आपने अपने बालों की केयर करनी है, कोई क्लिप नहीं करना अपने बालों को, इवन देन कान के पीछे भी नहीं करने। अच्छा। बिल्कुल भी वेट नहीं होने देने, स्वेट नहीं होने देने। अच्छा। सिर्फ जस्ट कॉम करनी है आपने, ठीक है? और फिर थर्ड डे यहाँ पे वॉश कर, फर्स्ट वॉश यहाँ पे होगा, देन आप प्रोडक्ट्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है? उन्हीं हिसाब में वॉश किया करना, ठीक है? वो प्रोडक्ट्स कौन सी आप बताएंगी? लोरियल एब्सोल्युटली रिपेयर का शैम्पू है जी, और लोरियल का ही लिस्क का मास्क है और लिस्क का सीरम है। सबसे पहले आपने शैम्पू करना है अपने बालों को जी। आफ्टर शैम्पू आपने मास्क लगाना है, लेंथ टू एंड लगाना है, रूट्स में अप्लाई नहीं करना। अच्छा। उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना, बाद में सिंपल पानी के साथ रिंस करके टावल
ड्राई बालों पे आपने 2 से 3 पम्प्स सीरम के लेके उनको मल्सिफाई करना है, एक्टिव करना है, देन अपने बालों पे अप्लाई करना है लेंस पे। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच गाइस। आई हाईली रिकमेंड द एलियोर सैलून, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हो, मैं खुद आई हूँ, पे भी किया है मैंने इसके लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ ट्रीटमेंट से। सो आई हाईली रिकमेंड इट, डू विजिट एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सर्विस गाइस। राइट आफ्टर माई वार्ड मैं यहाँ आई एलियोर सैलून और काफ़ी थकी भी हुई थी, लेकिन ट्रीटमेंट देखकर, इसका रिजल्ट देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई चोज इट। और मैं आपको दिखाती हूँ, एलियोर एग्जेक्टिव है ये। अस्सलाम वालेकुम, सो हियर आई एम अगेन विद यू गाइस एंड टुडे आई विल शो द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हेयर वॉश विद यू गाइस आफ्टर माई एक्सटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट। सो अभी हुए हैं 3:30 और अब मैं बिल्कुल इस टाइम बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि आज हमारा फुल डे था, फुल वर्किंग डे था। सबसे पहले क्लासेस थी, उसके बाद फिर वार्ड थी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ स्टडी की, और उसके बाद अब इंशाल्लाह अपनी हेयर डन के लिए जाना है मुझे एलियोर सैलून। सो आई विल गो इंशाल्लाह। सो गाइस आफ्टर फर्स्ट वॉश आई विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। सो गाइज फाइनली आई एम डन विद माई फर्स्ट वॉश आफ्टर एक्सटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट एंड इट्स लुकिंग सो रिफ्रेशिंग, सो कामिंग, स्मूथ एंड स्ट्रेट, नॉन फ्रिजी हेयर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद इट। बस मैंने आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, मैं बहुत ज़्यादा सुपर सेटिस्फाइड हूँ इस ट्रीटमेंट से, और यहाँ का इनकी डीलिंग बहुत अच्छी थी और बहुत सेटिस्फाइंग था सारा प्रोसीजर। और आज मैं आई हूँ 3 दिन बाद, तो मैंने अपना हेयर वॉश करवाया और ये भी बहुत सेटिस्फाइंग है, आई हाईली रिकमेंडेड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।